हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ सीएपीएफ के रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीएपीएफ में रैंक्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला आपका गेजेटेड ऑफिसर्स, सेकंड आपका सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स और थर्ड आपका अदर रैंक्स। सीएपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। सीएपीएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल आते हैं। सीएपीएफ में रिक्रूटमेंट्स यूपीएससी, एसएससी और साथ में रेस्पेक्टिव सर्विस हेडक्वार्टर्स द्वारा की जाती है। चलिए अब जानते हैं सीएपीएफ के रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में। सीएपीएफ में सबसे जो फर्स्ट पोस्ट बॉटम से है आपका कांस्टेबल का होता है। कांस्टेबल का यूनिफॉर्म प्लेन होता है, उनके यूनिफॉर्म में कोई बेजेस नहीं होता। कांस्टेबल के ऊपर का पोस्ट होता है सीनियर कांस्टेबल का। सीनियर कांस्टेबल के यूनिफॉर्म के स्लिप्स पर दो लाल रंग के स्ट्रिप्स लगे हुए होते हैं। सीनियर कांस्टेबल के ऊपर का पोस्ट होता है हेड कांस्टेबल का। हेड कांस्टेबल के यूनिफॉर्म के स्लिप्स पर तीन लाल रंग का स्ट्रिप्स लगा हुआ होता है। हेड कांस्टेबल के ऊपर का पोस्ट होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई का। एएसआई के शोल्डर्स पर एक 5-pointed स्टार होता है और साथ में एक लाल रंग का और एक नीले रंग का स्ट्रिप होता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर का पोस्ट होता है सब इंस्पेक्टर का। सब इंस्पेक्टर के शोल्डर्स पर दो 5-pointed स्टार होते हैं और साथ में एक लाल रंग का और एक नीले रंग का स्ट्रिप होता है। सब इंस्पेक्टर के ऊपर का पोस्ट होता है इंस्पेक्टर का। इंस्पेक्टर के शोल्डर्स पर तीन 5-pointed स्टार होता है और साथ में एक लाल रंग का और एक नीले रंग का स्ट्रिप होता है। इंस्पेक्टर के ऊपर का पोस्ट होता है असिस्टेंट कमांडेंट का। असिस्टेंट कमांडेंट और उसके ऊपर के जो रैंक्स होते हैं या के गेजेटेड ऑफिसर रैंक्स होते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट के शोल्डर्स पर तीन 5-pointed स्टार होते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर का पोस्ट होता है डेप्यूटी कमांडेंट का। डेप्यूटी कमांडेंट के शोल्डर्स पर एक नेशनल एम्बलम होता है। डेप्यूटी कमांडेंट के ऊपर का पोस्ट होता है सेकंड इन कमांडेंट का। सेकंड इन कमांडेंट के शोल्डर्स पर एक नेशनल एम्बलम होता है और साथ में एक 5-pointed स्टार भी होता है। सेकंड इन कमांडेंट के ऊपर का पोस्ट होता है कमांडेंट का, जिनको हम सीओ के नाम से भी जानते हैं। कमांडेंट के शोल्डर्स पर एक नेशनल एम्बलम होता है और साथ में दो 5-pointed स्टार भी होता है। कमांडेंट के ऊपर का पोस्ट होता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी का। डीआईजी के शोल्डर्स पर एक नेशनल एम्बलम होता है और साथ में तीन 5-pointed स्टार भी होते हैं। डीआईजी 1-star ऑफिसर रैंक होता है। डीआईजी के ऊपर का पोस्ट होता है इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी का। आईजी के शोल्डर्स पर एक 5-pointed स्टार होता है और साथ में क्रॉस में एक बैटन और एक तलवार होता है। आईजी 2-star ऑफिसर होते हैं। इंस्पेक्टर जनरल के ऊपर का पोस्ट होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी एडीजी का। एडिशनल डायरेक्टर जनरल के शोल्डर्स पर एक नेशनल एम्बलम होता है और साथ में क्रॉस में बैटन और एक तलवार होता है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल 3-star ऑफिसर रैंक होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल के ऊपर का पोस्ट होता है डायरेक्टर जनरल का। डायरेक्टर जनरल सीएपीएफ में सबसे हाईएस्ट रैंक होता है। डायरेक्टर जनरल के शोल्डर्स पर एक नेशनल एम्बलम होता है और साथ में क्रॉस में एक बैटन और एक तलवार होता है। डायरेक्टर जनरल 3-star ऑफिसर होते हैं।